अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय मुमताज़ आपा कुकिंग यूट्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं मसालादार मिर्ची का पकौड़ा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने बड़ी मिर्ची लिया है, मैंने बेसन लिया है, मैंने इमली लिया है, एक अंडा, होल ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, कलौंजी लिया 1 टीस्पून, सौंफ लिया 1 टेबल स्पून, राई लिया 1 टेबल स्पून, मेथी दाना लिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने मोटा कूटा हुआ मिर्ची लिया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, चाट मसाला मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, सॉल्ट में अपना टेस्ट के हिसाब से यूज़ करूँगी। मेथी दाना, राई, सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा मैं एक साथ मोटा मोटा कूट के, चिली और चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर चाट मसाला के साथ मैं मिला लूँगी। मसाला सारा मैंने एक साथ मिला लिया। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था, डाल के मैंने मिला लिया सारा मसाला। और मिर्ची को मैंने ऐसा करके मैंने काटा है, इसके अंदर सारा मसाला मैं भर दूँगी। अभी मसाला को मैंने पानी डाल के उसका पेस्ट बना लूँगी गाढ़ा गाढ़ा। पानी डाल के मसाला को मिला लिया, इसके अंदर 1 टीस्पून जितना भर के चना का आटा भी मिला लूँगी, डाल दूँगी। और थोड़ा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, पानी ऐड करके मैं अभी अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी। अभी थोड़ा इसके अंदर थोड़ा ऑयल भी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून जितना मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसका इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। मसाला मेरा रेडी है, अभी मैं सारा मसाला में मिर्ची के अंदर भर दूंगी। मसाला मैंने भर दिया है, सारा मिर्ची को मैं इसी तरह भरूंगी। रमजान के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। ये खट्टा भी है, तीखा भी है, करारा भी है, इसी तरह मैं सारा मिर्ची भर लेती। 6 टेबल स्पून जितना मैंने चने का आटा लिया है, अब इसको छान लूँगी। जब भी आप चने का आटा यूज़ करें तभी छान लेना, क्योंकि इसके अंदर लम्स हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर मैं छान के इसके अंदर एक अंडा और रेड चिली पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल के मैं इसका बैटर बना लूँगी। अभी इसको बेसन, अंडा, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिला लिया। अभी मेरा रेडी है, चूल्हा भी मेरा ऑन कर दिया है अभी। और अभी चिली बेसन का बैटर के साथ मिला के डीप करके बाद में इसको मैं फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से इसको मैं डुबा के, बिस्मिल्लाह, इसको डुबा डुबा के मैं फ्राई कर लूंगी। मिर्ची मेरा फ्राई हो रहा है, इसी तरह मैं सारा मिर्ची फ्राई कर लूँगी। इसके साथ मैं एक इमली की चटनी भी बनाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये भी मेरा रेडी है, अभी इसको मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। जो सब चार पास है वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैंने इमली का पल्प लिया है, इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ।
हाफ टी स्पून जो रेड चिली मैंने उसके अंदर ऐड डाल दिया। मेरे पास गुड़ है, गुड़ मैं डाल रही हूँ। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ और रोस्टेड ज़ीरा पाउडर वो भी मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। करके मिला के ये मेरा इमली का चटनी रेडी है, खट्टा मीठा। ये मिर्ची का पकौड़े के साथ, मसालेदार मिर्ची का पकौड़ा के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये भी रेडी किया है। रमज़ान में बहुत अच्छा लगेगा, आप भी ट्राई करें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जो मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नाज़रीन ये देखिए, मसालेदार मिर्ची का पकौड़ा बिल्कुल तैयार है, साथ में खट्टी मीठी चटनी भी हमने बना के रखी है। इंशाल्लाह इसी रेसिपी को फॉलो करके अपने घरों में बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।